हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे इन दिस वीडियो आई विल टीच यू संस्कृत सब्जेक्ट ऑफ क्लास 8, चैप्टर फर्स्ट वंदना। चैप्टर फर्स्ट वंदना। स्टूडेंट मेरे साथ पढ़ने का ध्यान अभ्यास करेंगे। सिद्धि बुद्धिपते तुभ्यम सिद्धि बुद्धि प्रदाय च ब्रह्म भूताय देवेश सगुणाय नमो नमः। अर्थात देखेंगे, सिद्धि बुद्धिपते, सिद्धि बुद्धि के स्वामी, तुभ्यम सिद्धि बुद्धि प्रदाय च, अर्थात हे भगवान भगवान गणेश और सिद्धि बुद्धि को प्रदान करने वाले ब्रह्म भूताय देवेश संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी सगुणाय नमो नमः, आप सगुण को मेरा नमस्कार है। श्लोक नंबर 2। मतिदाम वरदाम चैव सर्व काम फल प्रदाम केशवस्य प्रियाम देवीम वीड़ा हस्ताम नमो नमः। मतिदाम वरदाम, मतदाम मीन्स होता है बुद्धि देने वाली, वरदाम मतलब होता है वर देने वाली, च एव सर्व काम फल प्रदाम, और सभी सर्व मने सभी काम मने इच्छाओं के फल को प्रदान करने वाली केशवस्य प्रियाम, अर्थात भगवान विष्णु की प्रिय देवीम वीड़ा हस्ताम, हाथ में जिन्होंने हाथ में बीड़ा धारण कर रखा है, नमो नमः, ऐसी उस माँ भगवती सरस्वती को मेरा नमस्कार है। श्लोक नंबर 3। ईशावास्यामिदम सर्वयत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृध कस्य विशद धनम। ध्यान देंगे, ईशावास्यामिदम अर्थात ईश्वर के द्वारा व्याप्त, इदम माने यहाँ सब कुछ, अर्थात यहाँ जो भी कुछ जगत में जो कुछ भी है वो सब किसका है, ईश्वर का है। सर्वयत किंच जगत जगत्याम जगत अर्थात इस संसार में जो कुछ भी व्याप्त है, जो कुछ भी यहाँ पर प्राप्त है, सब ईश्वर का है, अर्थात सब ईश्वर द्वारा प्राप्त है, अर्थात इसलिए ये सारा चीज़ जो संसार में है वो किसका है, ईश्वर का है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा माग्रध, इसलिए त्यक्तेन भुंजीथा त्याग की भावना के साथ लब्ध वस्तुओं का भुंजीथा मतलब होता उपयोग करो, अर्थात उपलब्ध वस्तुओं का उपयोग करो। माँ गृध कस्य विस्विद धनम अर्थात माँ मने मत करो, गृध मने लोभ लालच, कस्य विस्विद धनम अर्थात दूसरे के धन पर दृष्टि मत रखो, दूसरे के धन का लालच मत करो। श्लोक नंबर 4। सर्वे भवन्ति सुखिन सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसमें देखेंगे सबके मंगल की कामना की गई है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी होवें, सर्वे संतु निरामया सभी निरोग हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सभी लोग, भद्राणि मीन्स होता है शुभ अच्छा, सभी लोग अच्छा देखें, मा कश्चित् दुख भाग भवेत् कोई भी दुख का भागी न हो, लोक संपन्न हो। स्टूडेंट्स सब ध्यान देंगे, ये आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है शब्दार्थ, शब्दार्थ को आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अभ्यास, अभी अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे विद्यार्थी। पहला प्रश्न है, निम्नलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि संस्कृत लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। क कस्मै सगुणाय नमो नमः अर्थात किसके किस सगुण के गुणों को नमस्कार है, तो लिखेंगे ब्रह्म भूताय देवेश सगुणाय नमो नमः अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री गणेश के सगुणों को नमस्कार है। का सर्व काम फल प्रदान अर्थात क्या क्या सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली है, इसमें लिखेंगे मतिदाम वरदाम चैव सर्व काम फल प्रदान। ग जन संसारे कथम भुंजित, जन संसारे कथम भुंजित मतलब लोग संसार में कैसे भोग करें, तो जन संसारे त्यक्तेन भुंजित अर्थात लोग संसार में त्याग पूर्वक उपभोग करें। घ सर्वे किदृशा भयु सभी लोग कैसे होवें, तो सर्वे सुखिन भयु अर्थात सभी लोग सुखी होवें। प्रश्न नंबर 2। रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों को भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स होता है ये। क ब्रह्म भूताय देवेश यहाँ भरेंगे सगुड़ाय नमो नमः, जैसे मैंने भरा इसे आप ये भरेंगे। खो केशवस्य प्रियाम देवी वीड़ा हस्ताम नमो नमः, ये अर्थात इसमें प्रियाम और यहाँ वीड़ा हस्ताम नमो नमः भरेंगे,
गौ में लिखेंगे माँ गृध कस्य स्विद धनम, घ माँ कश्चित दुख भाग भवे, तो यहाँ भरेंगे दुख भाग। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखिता नाम वाक्यानाम हिंदाम अनुवादम कुर्ता, अर्थात निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहला प्रश्न है, ब्रह्म भूताय देवेश सगुणाय नमोनमः, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी तुम सगुण को नमस्कार है। बीड़ाम हस्ताम नमोनमः, अर्थात जिन्होंने हाथ में बीड़ा धारण कर रखी है उन्हें नमस्कार है। अनुवाद आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इसको नोट करेंगे अपनी कॉपी में। माँ गृध कस्य स्विदधनम, अर्थात किसी दूसरे के धन पर दृष्टि मत रखो। लास्ट है, सर्वे संतु निराय मया सभी सुखी हों। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखिता नाम पदानाम विभक्ति वचनम च लिखत, अर्थात निम्नलिखित पदों की विभक्ति और वचन लिखिए। यहाँ पर पद है ब्रह्मभूताय तुभ्यम देवीम केशवस्य। अब देखेंगे ब्रह्मभूताय में जो है विभक्ति है चतुर्थी विभक्ति है एक वचन, ख तुभ्यम में द्वितीय विभक्ति है एक वचन, देवी में द्वितीय विभक्ति है एक वचन, केशवस्य में षष्ठी विभक्ति है एक वचन। लास्ट प्रश्न है, संधि विच्छेद कुरतः, संधि विच्छेद कीजिए। पहला है देवेश, दूसरा है किंच, तीसरा है चैव, परोपकारः। देवेश में देखेंगे देव धन ईस, किंच में देखेंगे किं धन च, यहाँ बिंदी जरूर लगाएंगे। यहाँ देखेंगे चैव में च धन एव, परोपकारः में पर धन उपकारः। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है, आप इसे अपनी कॉपी में लिख लेंगे, अपने बुक को भी फिल कर लेंगे।